टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में दुबई की कंपनी 100 करोड़ का निवेश करने जा रही है। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में गुलदारी ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ये कंपनी हैवी स्टील स्ट्रक्चर बनाने का कार्य करेगी, जिससे सिकंदराबाद क्षेत्र के हजारों लोगों में रोजगार की आस जाग उठी है। मंगलवार को कंपनी डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल लतीफ इब्राहिम ने फीता काटकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। फैक्ट्री शुभारंभ के दौरान डायरेक्टर ने फैक्ट्री में पौधारोपण किया। डायरेक्टर ने बताया कि यहां के इकाइयों की डिजाइनिंग और निर्माण कार्य मुख्य रूप से इनकी कंपनी द्वारा ही किया जाएगा, जबकि फैक्ट्री डीएमआरसी के लिए स्टील ब्रिज बनाने का कार्य भी किया जाएगा। कंपनी प्रबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये कंपनी यहां लगभग 800 से 1000 लोकल लोगों को रोजगार देगी। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कलाकारों ने राजस्थान, पंजाब समेत देश के अन्य प्रदेशों का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। ये कंपनी बेसिकली स्ट्रक्चर स्टील फैब्रिकेशन में है, जो वेल्डिंग, कटिंग और ये ग्राइंडिंग का ऐसा काम होता है जिसमें ब्रिज वगैरह और स्टील स्ट्रक्चर, पावर प्लांट स्ट्रक्चर ये सब बनेंगे। एक तो नियर बाई का जो भी यहाँ स्टील फैसिलिटी है, कुछ भी है जो नहीं मिल पाती वो मिल पाएगी। दूसरा, यहाँ के करीब 800 से 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस फैसिलिटी से। आगे आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? आगे प्लानिंग और एक्सपेंड करने की है। जैसा हमारा ये अभी करीब 1 से 1.5 हज़ार टन का प्लांट है पर मंथ का, इसका प्रोडक्शन 1000 टन के आसपास आएगा। तो जैसे ही हमारा 1000 टन पर पहुँचेगा तो आगे में एक्सपेंशन प्लान है हमारा, और तो आगे हम सोचेंगे और रोजगार दें लोगों को। इस अवसर पर मोहम्मद याह काजी मीना, आशीष आस्थाना, विंकी कपूर, विनीता वासुदेवा, एनसी सोरेल समेत कंपनी के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।